स्वागत और अभिनंदन। कई सारे लोग कभी कभी बड़ा गहरा सवाल कर देते हैं और बात कर देते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा कि गुरुदेव ये वीडियो बनाओ कि वो वीडियो बनाओ। तो आज उसी संदर्भ में उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो जो कि खिचड़ी मुद्रा पर आधारित है। हालांकि हमने इस पर और भी वीडियो बनाए थे लेकिन शायद वो उनको देखने को ना मिले या फिर उससे उनको समग्र जानकारी नहीं मिल पाई होगी। खिचड़ी मुद्रा जो है योगियों की माता है। जैसे किसी बच्चे का लालन पालन उसकी माँ करती है, ध्यान रखती है, ठीक इसी प्रकार खिचड़ी मुद्रा है जो योगियों को संरक्षण देती है, दीर्घ आयु को बढ़ाने वाली है, कुंडलनी को जागृत कर शिव और शक्ति के मिलन करवाती है, अर्थात प्राण और अपान को मिलाने का कार्य करती है। उस इस ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि खिचड़ी का अर्थ क्या है। खम बीज है आकाश का, इसमें एक मात्र अर्थात सप्तमी विभक्ति व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार युक्त करने से जोड़ने से बनता है खे। खे का अर्थ होता है आकाश में और चर माने होता है विचरण करने वाला, ई का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात जिस मुद्रा को लगाने से आपकी शक्ति आकाश में विचरण करने लगे। अब ध्यान देना, बहुत सारे लोग इसका एक अर्थ ये करते हैं कि शरीर आकाश में विचरण करने लगता है। शरीर से आकाश में विचरण नहीं होता है, वो विद्या आकाश गमन के अलग है। जैसा कि हमारे योग के सैद्धांतिक ग्रंथों में विवरण मिलता है और मेरा खुद का भी अनुभव है, इसके द्वारा जो होता है आपकी शक्ति आपकी ऊर्जा आकाश में विचरण करने लगती है। पूछो कैसे? जब खिचड़ी आप लगा लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो आकाश है माने पांच तत्व, पांच तत्वों के अपने अपने पॉइंट्स भी हैं, केंद्र है शरीर के अंतर्गत। जैसे छोटे छोटे सर्किट होते हैं, चिप लगा होता है, एक छोटी सी चिप में कितना कुछ भरा हुआ आइटम होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर इस पिंड के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सार है, जो एसेंशियल एनर्जी है वो इसमें एग्जिस्ट रहती है, स्थित रहती है। तो पहले मैं खिचड़ी मुद्रा का आपको दर्शन कराता हूँ कैसे लगाई जाती है, फिर इसके लाभ बताएंगे, फिर लगाने का तरीका कैसे क्या करें देख लीजिए आप। ये चली जाती है कपाल को, आपने देखा कि कैसे आंखें चढ़ जाती हैं इसमें। इसको लगा करके प्राण जो साधना योगी लोग करते हैं, इससे दशम द्वार में प्राण स्थित होने में सुविधा होती है और इसको करने से आपका जो वीर के जो अणु है अर्थात जो शुक्राणु है उनके उद्र गति होने में सुविधा होती है, सहयोग करती है। साथ में जो बैक बोन में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके द्वारा प्राण का संचार उद्र गति होने में, कुंडलनी शक्ति उसके द्वारा मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचने में सहयोग प्राप्त होता है इस खिचड़ी के द्वारा। और इससे आपके चित्त में एकाग्रता, शांति, निर्मलता इत्यादि बहुत सारे लाभ होते हैं। साथ में इसको करने से जो अमृत झरता है, अमृत यहाँ पर जो बोला गया है अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बताया जाए तो जो हमारी लार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। और उसके बनने से क्या होता है कि
कि साधक कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक बिना भोजन और बिना पानी के आसानी से रह सकता है, क्योंकि हमारे जो एडिनल ग्लैंड्स है, जो नाभि चक्र है, मणिपूरक चक्र है, उसमें से आग निकलता है। अर्थात जो प्राण और अपान का घर्षण होता है उसकी वजह से वहाँ एक आग प्रज्वलित रहती है। तो आग को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए आप भोजन डालते हैं, अर्थात भूख लगती है, आप भोजन डालते हैं, कुछ भी खाते हैं तो वो शांत हो जाती है, वहाँ पे समान हो जाती है, समान वायु उसको समान कर देती है, लेवल में कर देती है और शरीर ऊर्जित महसूस करने लगता है। तो भूख प्यास पे एक तो इससे नियंत्रण प्राप्त होता है, साथ में कमजोरी नहीं आती, आपके शरीर में तेजस्वता बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी और सुंदरता बढ़ेगी और दीर्घ आयु बनेगी। ये विद्या देवताओं के पास भी नहीं है, जो योगियों के पास में होती है। समझ रहे हैं ना? तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप करें कैसे? इसके लिए तीन हठयोग ग्रंथों में तीन सिद्धांत, तीन सूत्र बोले हैं कि इसका छेदन होना चाहिए, दूसरा इसका दोहन होना चाहिए, तीसरा इसका मर्दन होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल जानकारी है। कुछ लोगों ने ग्रंथों में लिखा है कि जो जीवा का नीचे का जो तार होता है उसको काट देना चाहिए। ऐसी गलती भाइयों भूल के मत करना, मैंने नहीं किया है ऐसी गलती, भगवान की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, हमने ये गलती नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से आपकी वाणी खत्म हो सकती है, अर्थात आप गूंगे हो सकते हैं, फिर जीव स्टैंड नहीं कर पाएगी, उसके नीचे का अगर तार काट देते हैं। थैंक यू सो मच। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यक्तिगत किसी गुरु से आप सीखिए, तभी आपका कुछ अच्छा हो सकता है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जानकारी की दृष्टि से सबको शेयर करें ताकि लोगों को इस विद्या के बारे में पता चले। एक बात और, इससे आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, मस्त ब्रेन भी डेवलप होता है और तीसरी आंख खुलने में आपको ये बहुत ज़्यादा मददगार है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा कहो या चेतना कहो या चित्त शक्ति कहो, इस मुद्रा के गहरे अभ्यास के द्वारा आकाश में विचरण कर सकते हैं। जब आपका चेतना या प्राण शक्ति, आपका सूक्ष्म शरीर, आपके शरीर के अंदर में जो आकाश है, जब उसमें वो स्थित होने लगता है खेचरी मुद्रा के सहयोग से, तभी एक आगे की प्रक्रिया है कि वो कैसे जो है एक जो ब्राट आकाश है उसमें से संपर्क स्थापित करके वो वहाँ भी गतिशील हो सकती है या हो जाती है। यह रहस्य है, इस पर मैं इतना खुल के नहीं बोल सकता हूँ, हमारे गुरुओं का आदेश बिल्कुल नहीं है इसके बारे में इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। किसी के प्राण अगर निकल गए तो मर जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वीडियोज़ में ये चीज़ें वर्जित रखी जाती है। ओम शांति, ओम क्रांति।